तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों सेम कंपाउंड के बने होते हैं। क्रिल ऑयल आपको पता ही होगा कि ओमेगा थ्री, दोनों ओमेगा थ्री रहता है। लेकिन इसका फायदा, सप्लीमेंट का फायदा ये है कि हम, हमें सप्लीमेंट मिल नहीं पाती है, और स्पेशली मेरी डाइट भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो वही है कि इसमें ओमेगा थ्री रहता है, मडमास्क हमारा जो स्किन का जो वो होता है पीएच लेवल एंड जो टेक्सचर होता है, जो हमारा स्किन का टोन होता है, जैसे कि किसी का ब्लैक है, किसी का फेयर है, तो उससे ये काफी मतलब बैलेंस रखता है और काफी इम्प्रूव करता है। और क्रिल और इसका एलार्जिन का मैं आपको बता रहा था, तो एलार्जिन एक नेचुरल कंपाउंड, आप सबको पता ही होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है बॉडी में जाकर, हाँ, और मतलब काफी अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं कॉफी इसकी जगह, कि कॉफी मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ये भी एक मिथ है लोगों में। तो कॉफी से हार्ट अटैक के मतलब वो चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो एलार्जिनिन मैंने, मम्मी ने मुझे रेफर करा था कि यार एलार्जिनिन ले, और उससे काफी इम्प्रूवमेंट मुझे मिली, और सही में मिली। और मैंने कम से कम 5 से 4 किलो मैंने अपना मास, प्योर मसल मास गेन करा है जर्न विधि से अब तक, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है विदाउट सप्लीमेंटेशन। और मैंने कॉम्बायोटिक्स भी लिया था। कॉम्बायोटिक्स बहुत ही मैं बताऊँ, बहुत ही एसेंशियल है हमारी डाइट के लिए, क्योंकि कॉम्बायोटिक्स इसलिए एसेंशियल है क्योंकि हम जो खाना, मेरी एक डाइटिशियन है, उसने मेरे कार्ब्स लो कर रखे हैं और प्रोटीन लेवल हाई कर रखा है, बिकॉज मुझे मसल गेन करनी है। तो उसमें जो हमारे मल्टी विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन ए, सी, जिंक, पोटेशियम, और ये हो गया आयरन हो गया, तो ये सब हमें नहीं मिल पाते नॉर्मल डाइट से। तो सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कोविड के टाइम पे, क्योंकि यार कोविड के टाइम पे हमें इम्यूनिटी अच्छी करनी है अपनी। तो और अभी थर्ड वेव भी आएगी, तो उसमें पता नहीं क्या ही हो, क्या हो, कुछ पता नहीं है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो इसलिए मैं सप्लीमेंटेशन यूज करता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स दिखे सीरियसली, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बल्कि एलार्जिन तो मैंने कल ही लिया था, मैं जिम में इसको एज अ प्री वर्कआउट लेता हूँ। प्री वर्कआउट जिसको नहीं पता, मतलब जिम से 15 मिनट पहले, और बैटर पंप, पंप मतलब कि उससे काफी अच्छा एक तरीके से मसल में ब्लड सर्कुलेशन आता है, जिससे मसल फटती है, और जैसे ही मसल फटेगी तो उससे ग्रोथ होती है मसल की। तो ये काफी, और जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी उनके लिए भी बहुत फायदे हैं इसके, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है कहीं, या कुछ वैसी प्रॉब्लम है, वेन्स को लेके प्रॉब्लम है, या हार्ट अटैक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कार्डियक कार्डियक अरेस्ट टाइप के, जो कार्डियक की जो प्रॉब्लम होती है उसकी जो प्रॉब्लम है, वो ये काफी अच्छे से हेल्प करेगा उसके आपकी। और बाकी एक नीम बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि नीम एक्ने, स्पेशली एक्ने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, और नेचुरली आप इतना सारा नीम कंज्यूम नहीं कर सकते हो पत्तियों से, बाहर से पत्तियां भी खा लेंगे तो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते जितना आपको एक टेबलेट में इसमें कंटेंट मिल जाएगा। और एक मैं एश्योर का वो भी कहूंगा कि नीम वाला सोप होता है ग्रीन कलर का, तो वो मैं 2019 से आई थिंक यूज कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। और मैं बताऊँ आपको कि सारे प्रोडक्ट जितने भी मैंने दिखाए हैं आपको, ये सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि इनसे एकदम से आपको विद इन इंस्टेंट एक दिन में ये इफेक्ट दिख जाएंगे, क्योंकि यार नेचुरल चीज है, सिंथेटिक चीज नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, साइंटिफिक कंपोनेंट्स नहीं है, केमिकल कंपोनेंट नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार आपको एकदम से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नेचुरल चीज है, तभी मैंने यूज करा और मुझे इफेक्ट्स दिखे हैं सीरियसली। और क्रिल का मैं आपको बताऊं, तो क्रिल जो है सबकी बॉडी पर, मतलब हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक के डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, हर एक की इम्यूनिटी अलग होती है। तो क्रिल का मुझे अलग अलग, मतलब क्रिल मुझे सूट करती है विंटर्स में, तो मैं विंटर्स की इसकी साइकिल चलाता हूँ। साइकिल मतलब कि ऑल्टरनेटिव डेज पे, हफ्ते में एक दिन खा लिया, फिर दिन छोड़ दिया, एक दिन खा लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो उससे इसने बहुत हेल्प करी है। और इसके रेट भी ज्यादा है, लेकिन रेट रेट ज्यादा होने का एकदम मतलब
वर्दी है रेट के, क्योंकि बात ये होती है क्रिल मिलता नहीं आसानी से, क्रिल ओशन के एकदम मिडल जैसे कहते हैं, और बहुत ही अंदर छोटे छोटे से 2 इंच के कीड़े होते हैं वो, इस तरीके से, तो उनको सिंथेसाइज करना, उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली उसमें पैसा बहुत खर्च होता होगा, तो इसलिए महंगा भी है लेकिन वर्दी है। तो आपको अच्छा लगेगा ये सब प्रोडक्ट्स यूज करिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, और बल्कि फेस मास्क और एलार्जिनिन तो मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत स्किन था अभी बीच में, मैं बहुत ज्यादा मसल मास अपना रिड्यूस करा, तो ये मेरी जर्नी थी वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ। और बाकी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा वेस्टीज के सिल्वर डायरेक्टर एंड मेरी मम्मी कल्पना गुलाटी जी। थैंक यू। थैंक यू रुद्रांश, बहुत अच्छा बताया, आधी मेरी प्रोडक्ट की नॉलेज पूरा कर दिया। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू। मेरा बेटा जो आपको सबको पता ही है कि वो हीरो बनना चाहता है, और अभी थोड़े थोड़े रोल्स कर रहा है, काफी शूटिंग हो रही है, कुछ ये है कि उसमें अभी जैसे छोटे एड टाइप होते हैं उसमें जाता है अभी, बल्कि 2 बजे से उसका शूट भी है, तो कल मैंने उसको बोला अचानक से कि होस्टिंग कर दोगे मेरी, तो एकदम से सडनली तैयार हो गया। तो फिर अभी उसका हेक्टिक शेड्यूल है और उसकी डाइट वो रहती है, तो इसीलिए उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और अपनी फेस के लिए बहुत चिंतित रहता है वो, और मेरे से ज़्यादा मास्क वगैरह यूज करता है, जैसे चारकोल मास्क, मड मास्क उसके फेवरेट हैं, और हफ्ते में एक बार लगाता रहता है वो, जरा सा एक भी पिंपल्स आ जाए तो उसके बारे में बहुत चिंतित रहता है, उसको तो एश्योर सोप और फेस वॉश बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्रोसीजर करूंगी। गुड मॉर्निंग लता मैम, प्रवीण सर एंड गौरव एंड माय ऑल वेस्टीज एंड फैमिली, थैंक्स टू प्रवीण सर जिन्होंने मुझे आज यहाँ फिर से ट्रेनिंग करने का मौका दिया, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड, माय अपलाइन, माय मेंटर नीतू मैम, जो हमें बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आने को कहती हैं और मौका देती हैं। तो एक बार मैं फिर आप सभी के सामने, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, कुछ लोग मुझे जानते हैं कुछ शायद नहीं जानते होंगे। माय नेम इज कल्पना गुलाटी, आई एम सिल्वर डायरेक्टर, और मैं एक वेस्टीजियन होने के साथ साथ एक ब्यूटिशियन भी हूं और अपना पार्लर रन कर रही हूं। तो वेस्टीज में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां आके मुझे लगा कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगी, और अपने सपने के साथ साथ मैं अपने डाउनलाइन के सपने भी पूरे कर पाऊँ। ये मैं मतलब मेरी अपनी मेहनत जारी है, और अपनी मेहनत करते करते मैं अपनी अपलाइन को भी प्राउड फील करा पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश है। और जैसे कि कहा जाता है कि हमारे अपलाइन हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारी उतनी देखरेख करते हैं जैसे एक बच्चे की, या फिर जैसे एक पौधे को बड़ा करने के लिए उसको सिंचाई गुड़ाई वगैरह की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही अपलाइन भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करते हैं और हमारा टाइम टाइम पे मोटिवेशन करते हैं। तो हम अपने ऊपर इतना मेहनत करें कि हम अपने अपलाइन को, प्रीति मैम है, नीतू मैम और प्रवीण सर, उनको प्राउड फील करा सकें, तो इसके लिए हमें बहुत लर्निंग की जरूरत है जो हम सीख रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी डाउनलाइंस को भी सिखा पाए। तो अब मैं बात करती हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। मेरा जो आज का टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ माय हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ, तो मैं अपने सीक्रेट आज यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जैसे ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लाइफ तो मेरी तभी हो गई जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ की मुझे इतनी बड़ी वेस्टीजन फैमिली मिली जो इतनी बड़ी है कि संभाले नहीं संभलती। पहले हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन थैंक्स टू अल्फा ऐप
जिसने हमें जानने का मौका दिया और हम सब लोगों को जानने लगे। सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे। यस, तो अल्फा ऐप पे हमें फैमिली के साथ साथ नॉलेज की भी भरमार मिली है, और जैसे कि इसमें यहाँ पर ब्यूटी की नॉलेज है, हमें कौन कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन कौन से मास्क लगाने चाहिए, कौन से शैम्पू लगाएं, कौन सा साबुन करें, और मेकअप कैसे करना है, कौन सी है। तो ब्यूटी के अलावा होम प्रोडक्ट रेंज भी है, है और ग्रूमिंग की रेंज है, फिर हमारे हेल्थ है जो हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी दे रहे हैं, और जैसे कॉस्मेटिक्स है, इससे बाहरी सुंदरता का तो ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन हमारी अंदरूनी बीमारियां जो होती हैं उसका ख्याल रखना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अपनी इनर ब्यूटी को कैसे मेंटेन करें, ये भी हमें ही इसका ध्यान रखना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने आहार पूरक सप्लीमेंट्स को खाएंगे। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सबको पता ही है कि ये हमारी रोज की दिनचर्या में शामिल होते हैं, और जैसे हमें जो विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे उनकी कमी को ये पूरा करते हैं। तो हमें जिस टाइम पे जिस कमी को पूरा करने के लिए जिस भी सप्लीमेंट की नीड होती है उसकी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे कि सबको पता है कि आफ्टर 30 to 35 बॉडी से कैल्शियम खत्म होने लगता है, डिलीवरी के टाइम और जैसे मेनोपॉज के टाइम हमारा कैल्शियम और आयरन बहुत सारा निकल जाता है। तो फिर जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ऑपरेशन हुआ हो या फिर कोई वैसे डिजीजेज हो, तो उसमें मेनली क्या रीजन होते हैं कि विटामिन और कैल्शियम की ही कमी होती है। तो इसके लिए हमें अपने सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल तो जैसे पहले कोई नहीं जानता था कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, लेकिन जब से कोरोना का वो आया है तो सबको पता चल गया। नॉर्मली 3-4 सप्लीमेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनका पता ही है कि हाँ भाई हमें ये लेने हैं और इससे हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। तो जैसे कि कई बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, सर्वाइकल है, बीपी है, बीपी का जैसे लो होना या हाई होना, और आर्थराइटिस है। इन आने वाली बीमारियों से तो नहीं हम नहीं भाग सकते, लेकिन फ्यूचर में ये बीमारियां ना हो इन सबसे अपने को पहले से ही बचा सकते हैं। और अगर हो भी गए हैं तो हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट के द्वारा हम अपने को क्योर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने को इन सप्लीमेंट से कैसे ठीक रखती हूँ, और मुझे बहुत पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मैं अपने पहले बता दूं कि मेरे को क्या क्या था। जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, मेरा ज़्यादातर काम खड़े होने का ही है, तो पार्लर में भी है और फिर लेडीज़ को खाने का तो रहता ही है, तो 1-1.5 घंटा कितना भी कम किया जाए 1-1.5 घंटा तो किचन में लगता ही है। और फिर मुझे धीरे धीरे माइग्रेन होने लगा, सर्वाइकल होने लगा, और अभी कुछ टाइम पहले वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो जो मैंने वेस्टीज के सप्लीमेंट के द्वारा ही ठीक की है। तो मैं आज बताती हूँ कि मैं अपने को इन सप्लीमेंट से कैसे ठीक रखती हूँ। तो मेरी सुबह की दिनचर्या का सबसे पहला सप्लीमेंट है नोनी। नोनी जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये अनानास जाति का फल है जो दक्षिण और मध्य भारत में पाया जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। नोनी के अंदर 09 नाम का एल्कलाइन पाया जाता है जो हमारी बॉडी की 150 से ज़्यादा बीमारियों को काम करता है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये एंटी कैंसर के तौर पे भी काम करता है। ये हमारी सेल्स के पोर्स को खोलता है और हमें फ्री रेडिकल्स से बचाता है, फैट को जमने से रोकता है, लीवर को रिपेयर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, और ये इंसुलिन बनाने में भी हेल्प करता है। आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द जो होता है उसको भी ठीक करता है।
कैंसर के किसी भी प्रकार के ट्यूमर को ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि कैंसर फ्री रेडिकल से बनता है, और नोनी में जो 09 पाया जाता है वो हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। ये अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की गांठ को खोलने में हेल्पफुल है। नोनी के यूज से हमें स्ट्रोक का भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि कंटिन्यू यूज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे स्ट्रोक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये मेमोरी लॉस में, हेडेक में, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो, एलर्जी हो, एक्ने हो, और जैसे दाद है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, वेरिकोज वेन्स है, हेयर लॉस हो गया, और गंजापन है, टीबी है, इंफ्लेमेशन, इंडाइजेशन, कफ, अस्थमा, थायराइड, और यहाँ तक कि इम्पोटेंसी जैसे नपुंसकता होती है, इरेगुलर पीरियड, और माइग्रेन जो कि मेरा ठीक हुआ है, और भी न जाने कितनी ही बीमारियों में हेल्पफुल है। इसकी जो डोजेज है वो 2 टैबलेट होती हैं एवरीडे एम्प्टी स्टमक, और इसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा सकती है, इसलिए पहले इसे 1, फिर 2 दिन का गैप, फिर 2 दिन का गैप, ऐसे करके 5 दिन तक करना है, और फिर आप जब ये सूट होने लगे तो आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये किस किस को नहीं लेना है, जैसे कि कोई किडनी पेशेंट है उसको नहीं देना होता, और जिनको वाइटामिन के और पोटेशियम सूट ना करता हो उनके लिए अवॉइड करना है, और बहुत ज्यादा लो बीपी हो रहा हो तो नहीं देना होता, और फीवर में नहीं देना। तो नोनी के साथ मैं दूसरा सप्लीमेंट लेती हूँ, गैनोडर्मा, तो सॉरी कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम ये मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है। कोलोस्ट्रम के लिए कहा जाता है कि ये आपको आपकी एज से 10 साल पीछे कर देता है, यानी कि आपको 10 साल यंग कर देगा। और ये गाय के दूध का वो पीला गाढ़ा दूध है जो बछड़े के जन्म के 6 घंटे बाद का होता है, जिसे लोग जानते होंगे कि खीस भी बोलते हैं। तो इसमें 100 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज होते हैं हमारे रेगुलर मिल्क की अपेक्षा। थैंक यू नीतू मैम। इसमें फैट्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स और प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। इसमें असेंशियल विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन, डाइजेस्टिव तत्व होते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं? जैसे कि ये स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, सेलुलर टिश्यूज को रीबिल्ड एंड रिपेयर करता है, एंटी एजिंग है, जोड़ों के दर्द में बहुत हेल्पफुल है, और न्यूट्रिएंट को इम्प्रूव करता है, बोन मास के लिए, फूड डाइजेशन को कंट्रोल करता है, वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, बॉडी एनर्जाइज करता है, अगर किसी को एलर्जी है तो उसको तेजी से रिकवरी करता है, आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, और जैसे जिन बच्चों के नाक से खून निकलने की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उनकी हाइट को भी बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और ये अल्सर में भी यूजफुल है, और जैसे किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी भूख ना लग रही हो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और ये कैंसर की सेल्स को भी नष्ट करता है, थायराइड को हेल्दी रखता है, और ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बोन डेंसिटी, वायरल इन्फेक्शन, HIV, आंतों से जुड़ी समस्याओं में बहुत ही बेनिफिशियल है, और ऑपरेशन, सर्जरी या चोट में रिकवरी बहुत जल्दी कर देता है, और स्किन टाइटनिंग में बहुत हेल्पफुल है। और एक बार मैंने सुना था रूपाली मैम से कि जब वहाँ पे विवेक सर हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने जैसे वहाँ पे लड्डू दिए जा रहे थे तो उन्होंने कोलोस्ट्रम दिया था उसको अपने हस्बैंड को, तो कोलोस्ट्रम इतना बेनिफिशियल है कि उसकी जगह, राइट रूपाली मैम, तो
उसकी जगह कोलेस्ट्रॉल दिया था, और ये इतना बेनिफिशियल है कि कोरोना में भी बहुत जल्दी रिकवरी की थी उन्होंने अपने हस्बैंड की, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी जो डोज, तो वैसे सुबह शाम बिफोर मील भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसे 4 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। और ये हमें बस यह है कि किडनी रिलेटेड पेशेंट को नहीं देना है। और फिर मेरा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा और फ्लैक्सोइल कैल्शियम, जो मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट लेती हूँ, और ये है सी बक्सान हूँ। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, गैनोडर्मा के बारे में। कैल्शियम तो सबको पता ही है कि 30-35 हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, और डिलीवरी और मेनोपॉज के टाइम भी बहुत निकलता है, इसलिए कैल्शियम तो सबको जरूरी लेना चाहिए। वैसे तो इसकी 4 की डोज होती है, बट यदि आप दूध अच्छा पी रहे हैं और कैल्शियम रिलेटेड खाना खा रहे हैं, तो आपकी 2 टैबलेट हो जाएंगी, और 2 की रिक्वायरमेंट आपकी बाहर से पूरी हो जाएगी। और सबको पता है कि आपकी हमारी कैल्शियम में विटामिन डी सी भी है। तो गैनोडर्मा के बारे में बताऊंगी, तो गैनोडर्मा जो है वो मशरूम प्रजाति का है, हमारे नेचर की तरफ से बहुत ही मिरेकल इफेक्ट है, गिफ्ट है। तो यह जो है चाइना और जापान जैसे देशों में कई डिजीज में यूज की जाने वाली एक नेचुरल औषधि है। ये जो है इसे किंग्स ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। ये एंटीवायरस की तरह सेल्स के अंदर छिपी कई संक्रामक बीमारियों को पहचान कर उसको वहीं समाप्त को रिन्यू करती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये ट्यूमर और सिस्ट को रोकता है। कई रिसर्च से पता चला है कि ये बॉडी में कैंसर की सेल्स को भी नष्ट करने की जबरदस्त पावर रखती है। इसमें 280 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। और ये जो है, जैसे किसी की कीमोथेरेपी हो रही हो या फिर रेडियोथेरेपी होती है, तो उसके साइड इफेक्ट से बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, और हार्ट डिजीजेस को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और जैसे ब्लड शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल सबको रेगुलेट करता है। स्पेशली थायराइड ग्लैंड जो होती हैं उसको कंट्रोल करता है, और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक, और डिटॉक्सिफिकेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और जैसे कि हमारा आईक्यू लेवल है उसको बढ़ाता है, बच्चों की मेमोरी को शॉर्प करता है, और हर एक डिजीज पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसकी जो डोजेज हैं वो 1 कैप्सूल a day आफ्टर मील। जिन्हें ब्लड पतला करने की दवाई दी जा रही हो उन्हें गैनोडर्मा नहीं देना होता, और या फिर मशरूम से एलर्जी हो उन्हें भी नहीं देते हम। तो अब मेरा आफ्टर ब्रेकफास्ट था फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल है जो, इसमें होता है विटामिन ई, ओमेगा 3, और ALA, मैग्नीशियम, पोटेशियम 80% होता है, और ओमेगा 6 80-20%, और जिंक होता है, कॉपर है इसमें, विटामिन B, E, और प्रोटीन भी होता है। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल, BP, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और ये PCOD, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, हेयर ग्रो, हार्मोनल इम्बैलेंस, पिंपल्स, थायराइड, मेनोपॉज, बर्निंग बॉडी फैट, वेट लॉस, और एंटी कैंसर, डैंड्रफ, मूड स्विंग, जैसे कि किसी को बेवजह रोना आ जाता हो, और हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल, साइटिका, और बच्चों में भूख न लगना, और ये बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और ब्रेस्ट में किसी के सिस्ट हो गई हो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसकी जो डोजेज हैं वो 1 कैप
और ये किसको नहीं देना है, जिसकी ब्लड पतला करने की मेडिसिन चल रही हो या फिर ब्लड गाढ़ा करने की मेडिसिन में भी नहीं देते, और ब्लड प्रेशर लो है किसी का उसको भी नहीं देते। फिर हमारा आता है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न के बारे में मैंने पहले भी मीटिंग में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो होता है विटामिन सी है, विटामिन ई, एमिनो एसिड 7, 9, फैटी एसिड और मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन है, मैग्नीशियम है, और विटामिन होते हैं के सी ए ई बी बी कॉम्प्लेक्स, और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, मिथियोनाइन होता है, ल्यूसीन, लाइसिन, ग्लिसरीन, और 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, और एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें, ये ट्यूमर सेल्स को खत्म करता है, और जैसे कि वेट कंट्रोल, अल्जाइमर, डायमेंशिया, आई साइड, स्किन सोराइसिस, माइग्रेन, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, हेडेक, बॉडी पेन, और किसी को लेजीनेस हो रहा हो और हेडेक है, बॉडी पेन है, शोल्डर पेन है, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। और इसकी जो डोज है 1 कैप ट्वाइस अ डे आफ्टर मील। और इसके अलावा मैं शाम को कम्बायोटिक्स लेती हूँ। ये कम्बायोटिक्स है, ये जो है ये आयरन एंड फॉलिक रात को खाने से पहले लेती हूँ, और हमारी जो आयरन फॉलिक है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, रेड सेल्स को बनाने में बहुत ही यूजफुल है, और हमें आयरन प्लस फॉलिक आयरन प्लस फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12, जिंक सल्फेट हाई पावर में मिलता है इसमें फॉलिक एंड आयरन में, और आयरन एंड कैल्शियम जो है करीब 4 घंटे का अंतर होने परसेंट सप्लीमेंट है एल-आर्जिनिन। ये मेरे बेटे का भी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड भी इसको आजकल पी रहे हैं, तो मेरा बेटा लेता है, और मैंने जैसे अभी मेरे को सर्वाइकल बहुत ज्यादा हो गया था अभी 3-4 दिन पहले, तो मैंने दोपहर को ही इसको एकदम से लिया, और इसको लेके मतलब इतना जल्दी तुरंत ही रिलीफ मिल, तो और मुझे जैसे बीच में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी हुई थी, तो मैंने क्रील और एलार्जिनिन लिया था। मैं जैसे समर्स हैं तो समर में ब्लैक ऑयल लेती हूँ, और विंटर में क्रील ऑयल, क्योंकि क्रील ऑयल मुझे समर्स में सूट नहीं करता, वैसे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे अगर मैं समर्स में लेती हूँ तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इस और ये वेरिकोज वेन्स और कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा असर करता है क्रील ऑयल, और जैसे मेरे बेटे ने भी बताया इसके बारे में, तो क्रील मेरा बहुत फेवरेट है, और इसके अलावा मैं जैसे ग्लूकोजामाइन है, ग्लूकोजामाइन कभी कभी पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है उसके लिए बहुत लेती हूँ, और स्किन एंड हेयर के लिए कभी कभी एलोवेरा और आंवला ले लेती हूँ, और स्किन हेयर एंड नेल्स पूरे महीने हम लोग नॉन वेज नहीं लेते, तो कम्बायोटिक और स्किन हेयर नेल्स अभी मैं नहीं ले रही हूँ। तो और मैं अपना जैसे फेवरेट प्रोडक्ट है थोड़ा सा एलार्जिनिन के बारे में बता दूँ, तो एलार्जिनिन जो है वो उसमें 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो हमारी डाइट से मिलता है ये एक सेमी असेंशियल एसिड है जो हमें डाइट से ही लेना होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्लॉक करके कई टाइप बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, तो
ये सबसे ज्यादा नट्स और सीड्स में मिलता है, जैसे मूंगफली और बादाम। इसके अलावा चॉकलेट से भी मिलता है। पर जैसे नाइट्री फाइबर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से काम करे। फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक के बिना बिना पचे गुजर जाता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तब वहाँ पे टूटता है। और ये क्या काम करता है, जैसे हार्मोन सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन और आउटपुट बढ़ाना, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना। इसके अलावा हमारी इम्यून फंक्शन को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और ये एंजाइना को ठीक करता है। और हार्ट डिजीजेज हैं, फैट संबंधी रोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और ये इम्पोटेंसी को भी दूर करता है। हमारी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड के को सिंथेसिस करने के लिए यूज, और एक्सपेंड करने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे बचाते हैं, और मसल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है। इसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में, बॉडी से फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बॉडी में सोल्ट का ले, और जो प्लेयर्स हार्ड ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए एसेंशियल है, और एंटी एजिंग, जॉइंट पेन के लिए है, सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, ब्लड वेसल्स को एनलार्ज करने का काम करता है, बीपी लेवल को हेल्दी बनाता है, बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है। शुगर पेशेंट हैं जिनकी शुगर 300 से कम हो उनको ये दिया जा सकता है। इसमें क्या है, बीटरूट जूस पाउडर, फॉलिक एसिड होता है, और इसकी जो डोजेज हैं वो हार्ट से जुड़ी बीमारी में डॉक्टर से एडवाइस करके लेनी चाहिए। और इसके अलावा इसकी ओवरडोज से जो है वो डायरिया, कमजोरी या चक्कर भी आते हैं, और इसकी लिखी डोज के अनुसार ही लेना चाहिए। तो अगर डाइट ठीक है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये अगर जैसे जो मैंने ऊपर बीमारियां बताई हैं अगर वो हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और ये अस्थमा में और ज्यादा फैट वाले को यूज नहीं करना चाहिए। और इसका लेने का तरीका जो है वो एक कांच के गिलास में एक पानी भर के, और एक सैशे इसको खाली पेट पीना चाहिए। और इसको जो जिसको नहीं लेना, जैसे कि किसी के बॉडी में रॉड डली हुई है या कोई मेटल की चीज डली हुई है या पेसमेकर डला हुआ है, तो उसको ये नहीं देना होता। और अगर किसी को अर्थराइटिस है और कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन में फायदा नहीं पहुंच रहा हो, तो अगर हम साथ में एलार्जिनिन भी देते हैं तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और ये जैसे किसी के हार्ट ब्लॉकेज है उसमें भी एलार्जिनिन दे सकते हैं। और एलार्जिनिन में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो बाईपास नलियों को इमरजेंसी में खोल देता है। और इसका एक वो भी है, जैसे किसी को अगर सडनली पैरालिसिस हो रहा हो और अचानक से दो सैचे आप एकदम से दे दें तो कंट्रोल हो जाता है। और जैसे 1 या 2 month पैरालिसिस हो चुके हैं तो एलार्जिनिन, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, ये सब सारे सप्लीमेंट देने से पैरालिसिस वाले को बहुत ही बेनिफिशियल, अच्छा बेनिफिट होता है। और इसका जो ये कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर हम किसी को एलार्जिनिन ना दे पाए, जैसे जो मैंने कंडीशंस बताई थी, तो उसके लिए हम गैनोडर्मा और क्रील ऑयल दे सकते हैं विदाउट एलार्जिनिन। और बता देती हूँ, हेयर स्किन एंड नेल्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, जैसे कि सबको पता है आजकल बहुत ज्यादा सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी, हेयर्स बहुत टूट रहे हैं या
बहुत झड़ रहे हैं, तो हेयर स्किन एंड नेल्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आज के टाइम पे, क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स उस टाइप के हैं कि जिनसे हमारे हेयर पे और स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। कई लोग जैसे पार्लर में आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे से लेयर की लेयर निकल रही है, तो आजकल ये प्रोडक्ट यूज करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो नेल्स को टूटने से बचाता है, और इसमें विटामिन B2 है, कॉलेजन है, विटामिन ई है जो एंटी एजिंग होता है, और कॉलेजन तो सबको पता ही है कि उसमें प्रोटीन होता है जो कि और न्यू टिश्यूज को रिफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, और जैसे जो ये कैंसर जैसे में बोराजोइल का यूज होता है, तो इसमें बोराजोइल पाया गया है जो हेयर फॉल एंड नेल्स को टूटने से बचाता है, और थर्ड है इसमें एमिनो एसिड जो अच्छी तरह से बाइंड, और इसमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर, मैग्नीशियम है, आयरन है, और मल्टी विटामिन हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, और हेयर फॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है ये, ग्रे हेयर के लिए, एंटी एजिंग, और ये नेल्स की भी रिपेयर करता है, और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, लाइसिन, एल मिथाइनिन, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मैग्नीशियम, एल सिस्टीन, निकोटिनामाइड, विटामिन ई, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, सेलेनियम, और डी बायोटिन, B1, प्रोटीन की कमी को बढ़ाता है जो नए सेल्स को बनाता है, बालों को मजबूती देता है, और बालों का है वो हमारे बालों में जो है हेयर फॉलिंग और पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, और जैसे किसी के ग्रे हेयर हो रहे हो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और एक ये जैसे ये तो सब हो गए अंदरूनी सप्लीमेंट, और मैं एक अपना बाहर का वो माय फेवरेट स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो मैं लगभग 3 इयर्स से लगा रही हूँ कंटिन्यू, और अंदर की सुंदरता के लिए मैंने आपको बताई दिए सारे सप्लीमेंट, तो अब मैं अपना सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।